नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द होगा जारी। साथ ही बिहार पुलिस भर्ती 2023 की जो परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं, डेट को जो आगे बढ़ा दिया गया है, तो कब से कर दिया गया है इसकी भी पूरी जानकारी दोस्तों आगे आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही आप लोगों से विनम्र आग्रह कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को निश्चित रूप से सेलेक्ट कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है बिहार दरोगा भर्ती एवं बिहार पुलिस परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं, तो उसको लेकर के क्या है जानकारी, पूरी डिटेल के साथ जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बिहार दरोगा बहाली को लेकर के जानकारी ले लेते हैं कि क्या है जानकारी। 1275 दरोगा की होगी बहाली, अक्टूबर में आएगा विज्ञापन। बिहार पुलिस में दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर के जल्द विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीद है। यह मामला पिछले 5 महीनों से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय JS गंगवार ने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही प्रक्रिया की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा बहाली को लेकर के पहले तैयार किए गए रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो SI पद का सृजन करते हुए बहाली निकालने पर विचार किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जहां से विज्ञापन जारी कर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह से देखा कि बिहार पुलिस का जो है विज्ञापन अक्टूबर तक जारी होने की संभावना है, साथ ही नवंबर दिसंबर में बिहार दरोगा भर्ती को लेकर के जो है परीक्षा की भी तिथि आने की संभावना है और परीक्षा जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, जो भी बिहार दरोगा को लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो इस तरह से आप लोग जिस तरह से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग जी जान लगा करके अपनी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही जल्द अक्टूबर तक विज्ञापन इसका आने वाला है और फिर नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम भी होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती 2023 की जो परीक्षा में बदलाव किए गए हैं, तो उसको क्या बदलाव किए गए उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, पहले जो बिहार पुलिस की परीक्षा लेनी थी वो 24 सितंबर 2023 से इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अब उसको जो 4 चरणों में परीक्षा लेनी थी, 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को पहले परीक्षा लेनी थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव करते हुए इसको 3 चरणों में कर दिया गया है। जो 24 सितंबर की जो परीक्षा होने वाली थी उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब 3 ही चरणों में बिहार पुलिस की जो परीक्षा ली जाएगी। तो इसको लेकर के दोस्तों ये जानकारी है कि 1 अक्टूबर 2023 का जो है प्रथम चरण की परीक्षा होगी, जिसमें 10 बजे पूर्वाहन से लेकर के 12 बजे मध्याह्न तक इसकी परीक्षा ली जाएगी और इसका जो रिपोर्टिंग का टाइम होगा वो 8 बजे होगा, यानी कि आपको सेंटर पर 8 बजे यानी कि 2 घंटा पहले ही पहुंच जाना है। इस तरह से फिर द्वितीय पाली की भी परीक्षा होगी, जो 3 बजे अपराह्न से लेकर के 5 बजे अपराह्न तक होगा और इसका जो रिपोर्टिंग का समय होगा वो 1 बजे होगा, यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले 2 घंटा पहले ही आप लोगों को परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है। तो इस तरह से जो है बिहार पुलिस परीक्षा को लेकर के बदलाव किया गया और इसी तरह से फिर 7 अक्टूबर का और फिर 15 अक्टूबर का भी परीक्षा होगी। तो आइए दोस्तों, और हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर जो परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले आप लोगों को आपके साथ में क्या ले के जाना है। तो ई प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवार के ई प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर दिनांक 11/9/2023 से उपलब्ध रहेंगे। उम्मीदवार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लेंगे।
स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यानी कि पहले जो बिहार पुलिस को लेकर के जो डाक द्वारा प्रवेश पत्र भेजा जाता था वो अब नहीं भेजा जाता है। डायरेक्ट आप लोगों किसी भी साइबर कैफे पे जाकर के डाउनलोड कर लेना है इसको, जो 11/9/2023 से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ आप लोगों को और कुछ जो है पहचान पत्र ले जाने की जो है ज़रूरत होती है, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। जैसे कि आपको मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यानी कि इसमें से कोई भी एक आपको डॉक्यूमेंट लेकर के साथ में जाना है। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ प्रवेश पत्र के समरूप, यानी कि जो प्रवेश पत्र में जो आपका जो फोटो है या और आपका जो सही फोटो है, उसको दो फोटोग्राफ, दो माह के भीतर का जो खिंचा हुआ फोटो हो लेकर के जाना है। तो इस तरह से बिहार पुलिस परीक्षा में जो बदलाव किया गया और साथ ही सेंटर पर जाने का जो नियम है कि 2 घंटा पहले ही यहाँ पर आपको पहुँच जाना है और साथ में एक डॉक्यूमेंट लेकर निश्चित रूप से जाना है। तो इस तरह से परीक्षा स्थल पर आप लोगों को निम्न तैयारी के साथ जाना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई जानकारी आगे चाहिए तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करिएगा, फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों को उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।